मुरादाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह ने शहर के सिविल लाइन्स स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ साथ सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए संदेश देने का काम किया। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन्स स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के जिला व महानगर के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पहुंचकर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया और सभी को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बधाई दी। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और आज हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम भी कर रहे हैं। आज मुरादाबाद के कई स्थानों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि हम बाबा साहब के संदेशों को आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी तक उनके संदेशों को पहुंचाएं, जिससे आगे बढ़कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। सिटी चैनल से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज रणविजय सिंह एडवोकेट ने बताया, आज हम भारत संविधान के निर्माता और दलित पिछड़ों का उत्थान करने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 131वीं जयंती मनाने के लिए, उन्हें यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज क्या संकल्प ले रहे हैं आप आगे? सबसे पहले मैं आज बाबा साहब के सभी अनुयायियों को आज के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आज हम सब ये संकल्प भी लेंगे कि बाबा साहब ने जिस तरह समाज को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई, उसी तरह हम लोग भी बाबा साहब के रास्ते पर चलकर दलित पिछड़े समाज के साथ साथ देश की तरक्की को ले जाने का सभी साथी काम करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में केवल मुरादाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का मंडल कार्यालय पाकबड़ा में उसका आयोजन अभी 11 बजे से प्रारंभ होगा। आज का ये संदेश कि बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में भी बहुत संघर्ष कर दलित पिछड़े और मजलूम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, उनको अधिकार दिलाए, उन्हें समानता का अधिकार दिलाया। साथियों, आज ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर हम साथी भी सब ये अपनी ओर से प्रयास करें कि जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोगों की जो हक की लड़ाई है उसको लड़ने का काम सब लोग करने का काम करेंगे देश और प्रदेश के अंदर। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह का ये कहना था कि आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी उनके संदेशों को लेकर जन जन तक पहुंच रही है और युवाओं को संदेश देने का काम कर रही है। उद्देश्य यही है कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाकर उसे आगे बढ़ाने का काम करें। सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए लाखों करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज पावन पर्व 14 अप्रैल पर समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुजन समाज पार्टी मुरादाबाद जिले की ओर से सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? हमारा युवा जाग चुका है बहुजन समाज पार्टी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन, माननीय काशीराम जी के मिशन को लेकर आज आगे चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो संगठन में हमारी कमियाँ रही हैं उसे बूथ स्तर तक मजबूत कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन मूवमेंट को, माननीय काशीराम जी के मिशन मूवमेंट को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मिशन मूवमेंट को हम सब मिलकर कामयाब करेंगे।